अब हमें क्या देखना है पर्टिकुलरली, आज क्या देखनी है बात? आज हमें एप्लीकेशंस पे बात करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑफ न्यूटन्स, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा आपको, वैसे तो खैर इसकी बहुत एग्जाम्पल्स होती हैं, बस मैं कुछ मेन मेन कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सेंस डेवलप हो जाए कि आप इसको डील कैसे करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है न्यूटन लॉस की? जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है बेटा, स्ट्रिंग है, या कोई रस्सी है, रोप है, या ये कोई वायर है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके साथ एक एक मास हैंग कर दिया इधर, एम, या मास है इसका 2 kg ना, 2 kg, और इसमें ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम कहते हैं वेट, ये वेट है इसका, और वेट बराबर होता है एम जी के। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लूँ, वैसे तो 9.81 लेते हैं, मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैं 10 न्यूटन पर kg ले लूँ तो इस बॉडी का वेट हो जाएगा 20 न्यूटन। अच्छा, अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये एप्लीकेशन किसकी है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली डील करता है किसके साथ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विथ बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का लॉ है ये, तो इसमें ऊपर एक फोर्स ऐड करेगी, कोई बता सकता है कि स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स ऐड करती है? अगर एक फोर्स वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है तो स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स ऐड करेगी? टेंशन जी हाँ, बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पे एक फोर्स ऐड करेगी टेंशन। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि टेंशन बराबर होगा किसके? टेंशन बराबर हो जाएगा वेट के। तो टेंशन बराबर हो जाएगा वेट के, यानी कि टेंशन की वैल्यू भी 20 न्यूटन है। तो 20 न्यूटन टेंशन की भी वैल्यू है, तो डाउनवर्ड फोर्स भी 20 है, अपवर्ड फोर्स भी 20 है, तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे हो जाएगी 0। अच्छा, एक दो बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि टेंशन टेंशन डिपेंड्स अपॉन टेंशन डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल एंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग, एंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग। डेफिनेटली अगर आपका थिक कॉर्ड है या थिक कोई स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होगी, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी उसमें, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास जब टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रिंग भी आपका बहुत ज्यादा थिन होगा, और सॉरी थिक होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैंने एप्लीकेशन दी है आपको, एक छोटी सी बिल्कुल एप्लीकेशन है, कोई बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, आप सेकंड एप्लीकेशन सुने यार, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के साथ कोई मास है 2 kg का। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये जो मास है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद 2 m/s², तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि न्यूटन के कौन से लॉ की एप्लीकेशन है अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? क्या कहेंगे हम लोग, सिंस क्या बोलेंगे बेटा, कौन सा लॉ है? सिंस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, सो सो इट इज द केस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, काइंडली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहा करें, और भले चैट में लिखें, थोड़ा सा बोलें, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला रहता है इससे ना पढ़ाने में। सिंस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग सो इट इज द केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और बैलेंस फोर्सेज नहीं होंगी बल्कि इसमें अनबैलेंस फोर्सेज होंगी, ठीक है। अब हमने किया क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका डाउनवर्ड फोर्स होगा इसका वेट,
अच्छा वेट वही हो जाएगा 20 न्यूटन, और इस पे एक अपवर्ड फोर्स आ जाएगी, कौन सी? टेंशन। तो इस केस में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू एम ए। बेटा कोई भी बंदा ये समझ सकता है, एफ इजिकल टू एम एम ए, एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, एफ का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, एम का मतलब होता है मास, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ये मैं पहले भी बहुत दफा बता के आया हूँ आपको, ठीक है? अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें डेफिनेटली आप लोगों को क्या लग रहा है, टेंशन और वेट बैलेंस होंगे या कोई फोर्स बड़ी होगी कोई फोर्स छोटी होगी, क्या कहते हैं आप लोग? जी आहिल, कोई इसमें फोर्सेस में डिफरेंस होगा या दोनों फोर्सेस स्टिल बराबर होंगी? पता नहीं सर, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है ना ऊपर की तरफ। इफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड तो फोर्सेस बराबर तो नहीं हो सकती, फोर्सेस बराबर तो प्रीवियस केस में थी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। तो इस केस में याद रखिएगा कि टेंशन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, सिंस सिंस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। देखिए आहिल समझ आई ये बात, कि क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन बड़ा होगा और वेट छोटा होगा, ठीक है सर। ठीक है जी? अब आपने एफ इजिकल टू एम ए का फॉर्मूला लगाना है इस पे, तो आप टेंशन फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये असल में बराबर होता है किसके? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब बड़ी फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो आपने फॉरवर्ड फोर्स रखी टेंशन क्योंकि टेंशन बड़ी है, बैकवर्ड फोर्स रखी डब्ल्यू क्योंकि डब्ल्यू छोटा है, और आपने इसको मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर दिया। अब आपने टेंशन को अननोन रखा, वेट की जगह आपने प्लेस किया बेटा 20, वेट की जगह आपने प्लेस किया 20, मास की जगह आपने रखा 2, एक्सेलेरेशन की जगह भी रखा 2। तो ये हो जाएगा टेंशन बराबर है 4 प्लस 20, और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन हो गई टेंशन की वैल्यू। तो इसमें टेंशन की वैल्यू 24 है और वेट की वैल्यू 20 है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी बता सकते हैं कोई? अगर टेंशन फोर्स इसमें, अगर इसमें बॉडी में टेंशन फोर्स 24 न्यूटन है और डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? जी बेटा क्या कहेंगे आप लोग? जी आहिल, आयशा, अनुषा, उमैमा, शांदे, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी इस बॉडी पे? सर 4 न्यूटन 4 न्यूटन हो जाएगी। कैसे? टेंशन में से आपने वेट को माइनस किया तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 4 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। बेटा बताइएगा मुझे जरा, यस नो में, यस नो में बताइए कि ये बात क्लियर है आप लोगों को, ये वाली एग्जाम्पल? जी सर। ठीक है, आप बताएं आयशा, क्लियर है एग्जाम्पल, ये वाली सेकंड एग्जाम्पल? ठीक है चलें जी, बेहतरीन हो गए बात। अब सेकंड से थर्ड पे चलते हैं। अच्छा थर्ड एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मैं उसमें से एक और दे देता हूँ। भाई पुली का तो आपने इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ होगा ना, P3 में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा पुली का। पुली एक डिस्क होती है, इसमें से एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, और सपोज मैंने स्ट्रिंग के इस तरफ एक मास लगा दिया 2 kg का,
और स्ट्रिंग के दूसरी तरफ भी मास लगा दिया मैंने 2 kg का। आहिल क्या कहते हैं, ये मूव करेगा या नहीं करेगा? ये ए मास है और ये बी मास है, आर दे गोइंग टू मूव और नॉट? नहीं सर, नहीं करेंगे ना, क्योंकि मासेस एक जैसे हैं। तो हम ये कहेंगे कि पुली पुली इज अ डिस्क, पुली इज अ डिस्क विच कैन रोटेट। ये आपने शायद मुझे, हम लोग तो खैर करवा रहे हैं इसके, मैं प्रैक्टिकल करवाया भी है मैंने बच्चों को, तो आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा P3 का। अच्छा भाई, लैब्स को बड़ा सीरियस लीजिएगा फिजिक्स की, आप लोग जो भी बच्चे यहाँ पर हैं ऑनलाइन, बड़ा उसके P3 को बड़ा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि P3 इसका फिजिक्स का काफ़ी मुश्किल है, उसके ग्राफ प्लॉट करना, उसकी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है, और लंबे लंबे प्रैक्टिकल आते हैं इसमें। तो उसमें आपने पुली का भी एक एक्सपेरिमेंट अगर आपको कराया होगा, फोर्सेस वगैरह का, तो ये करवाया जाता है लैब में। तो पुली इज अ डिस्क विच कैन रोटेट इफ ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली इफ ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली वी हैव सेम मास, सो इट इज नॉट मूविंग, रिमेन एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, सो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। इसका वेट कितना होगा? 20 न्यूटन। और इसका वेट कितना होगा? 20 न्यूटन। इस पे एक अपवर्ड फोर्स होगी टेंशन, वो भी 20 न्यूटन, और इस पे भी एक अपवर्ड फोर्स होगी टेंशन विच इज ऑल्सो 20 न्यूटन। तो बी बॉडी और ए बॉडी दोनों पे रिजल्टेंट फोर्सेस 0 है, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छा जी, मैं हट इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? मुझे थोड़ा सा बताया गया पुली में अगर मासेज एक जैसे लगे हुए हैं और इट इज नॉट मूविंग, तो ये बात सही है? आप लोगों को समझ आ रही? चलें जी, ठीक है, बेस्ट है यहाँ तक की बात। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है। नाउ आई हैव द पुली ऑन विच देर इज अ स्ट्रिंग पासिंग, स्ट्रिंग इसमें से पास कर रहा है, बट द अदर थिंग इज दैट मैंने यहाँ पे जो मासेस अटैच किए हैं, वो ए मास जो है वो 2 kg का है, और जो बी मास है वो 4 kg का है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये एक्सेलरेट कर, मतलब ये मूव करेगा या ये रेस्ट में रहेगा? जी आहिल क्या कहेंगे, रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? मूव मूव करेगा। करेगा, मूव करेगा ना? एग्जैक्टली, मूव करेगा। सो द रीजन इज दैट बिकॉज द मासेज आर अनइक्वल, तो बी वाला एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड और ए वाला जो मास है वो एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इफ मासेज आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं है, सर बी की एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। हाँ, एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव होगी, या तो अगर आप बी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए को नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज
इसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव। इफ मासेस आर नॉट आइडेंटिकल, इफ मासेस आर नॉट आइडेंटिकल सो पुली सिस्टम, मतलब पुली सिस्टम का मतलब दोनों मासेस, पुली सिस्टम विल एक्सेलरेट, विल एक्सेलरेट एंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉमन कॉमन फॉर बोथ मैसेस। अच्छा, अब हम बहुत क्रिटिकली अगर एनालाइज करें ना इस बात को, बेटा मेरी वाली बात को अगर बहुत क्रिटिकली एनालाइज करें, तो मैं ए वाली बॉडी को अगर देखूं तो ए वाली बॉडी पे दो फोर्सेस हैं। एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड, विच इज 20 न्यूटन, ये इसका वेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग में टेंशन ऐड कर रही है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में भी क्या है कि इसका एक वेट है डाउनवर्ड, बट द वेट इज नाउ W=mg से अगर आप जाते हैं तो इसका वेट जो है वो 40 न्यूटन है, और इसके अंदर भी जो टेंशन फोर्स है दैट इज टी। अच्छा, टेंशन दोनों तरफ कॉमन है, हम ये कह सकते हैं कि टेंशन टी इज कॉमन बिकॉज वी हैव सेम स्ट्रिंग, वी हैव सेम स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ जो मैंने धागा या स्ट्रिंग या रोप जो इस्तेमाल की है वो सेम है। टेंशन इज कॉमन बिकॉज वी हैव सेम स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली, ऑफ द पुली, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ए और बी दोनों मासेस को बहुत केयरफुली एनालाइज करें तो पता ये चलेगा कि ए वाली जो मास है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और बी वाला जो मास है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो फॉर मास ए टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, एंड फॉर मास बी वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। ये डाउन एक्सेलरेट कर रहा है तो वेट बड़ा हो जाएगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट है तो वेट बड़ा हो जाएगा, और ये बी ए वाला जो मास है वो अपवर्ड एक्सेलरेट है, तो ये आपका अपवर्ड एक्सेलरेट है। हाँ अपवर्ड एक्सेलरेट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये बनेगा T-W=ma। तो टेंशन की वैल्यू हम लोग कुछ नहीं रख सकते क्योंकि पता ही नहीं है, मगर वेट की वैल्यू हमें पता है ए बॉडी के लिए वो 20 है। अच्छा, इसका मास 2 है, तो लेट्स राइट इट 2, और एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो अननोन। तो हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो गई T-20=2a। अच्छा, बी बॉडी के लिए जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा वेट माइनस T=ma। तो बी बॉडी का वेट जो है वो 40 है, टेंशन अननोन है, और मास की जगह आपने 4 रखा और ये 4a हो गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस डेवलप हो गए इसमें। अच्छा, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप, जैसे एक इक्वेशन है T-20=2a और एक इक्वेशन है मेरे पास 40-T=4a। यू कैन यूटिलाइज बोथ इक्वेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से अगर आप टेंशन को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बनेगा 2a+20। यहाँ पे आपने टेंशन को सब्जेक्ट बना लिया। नाउ इफ इन दिस इक्वेशन इन प्लेस ऑफ टेंशन इफ यू राइट 2a+20 तो ये हो जाएगा 4a। एक्सेलेशन की वैल्यू निकालिएगा बेटा इसमें से, जरा इन इक्वेशन में से एक्सेलेशन निकालें और फिर इसको रीपुट करके टेंशन की वैल्यू निकालें।
भाई निकालें बेटा जरा इसको, टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकालें इसमें। जैसे ये हो जाएगा 40 माइनस 2a माइनस 20 इज इक्वल टू 4a, ठीक है जी। अब अगर इसमें a वाले एक तरफ कर दें तो इसमें हो जाएगा ये 20 इज इक्वल टू 6a, और a वुड बी फाइनली इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे इक्वेट कर दें लाके, तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 2 × 3.33 +20, सो दिस मेक्स इट इक्वल टू 3.33 × 2 गोइंग टू बी 6.66 +20, सो टेंशन वुड बी इक्वल टू 26.66 न्यूटन। देखिए ये वाली बात सही है, जरा बताइएगा मुझे। ये एग्जाम्पल है और फुल फ्लैज एग्जाम्पल ली है यहाँ पे मैंने, और अगर आप एग्जाम्पल वाकई में देखेंगे ना, तो ये कौन से लॉ की एग्जाम्पल बन रही है हमारे पास, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, ये सेकंड लॉ की एग्जाम्पल है न्यूटन की, अनबैलेंस फोर्सेस की एग्जाम्पल है और एक्सेलरेटिंग सिस्टम है। देखिए बेटा बताइएगा जरा, क्लियर है यहाँ तक बात आपको, आप लोगों को? जी सर, देखिए आप बताएं, आहिल शांत है, आप लोगों को क्लियर है? अब्दुल्ला बताइएगा, हाँ पूछे बेटा, क्या कंफ्यूजिंग है अब्दुल्ला? देखिए इक्वेशंस को अगर मैं देखूँ ना, तो ए बॉडी के लिए मैंने देखे अलग इक्वेशन बनाई है, क्योंकि ए ए बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो टेंशन ग्रेटर है और वेट छोटा है, तो इसके लिए इक्वेशन बनी टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो बनी डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो मैंने ए बॉडी के लिए मास रखा 2 और बी बॉडी के लिए 4, तो 4a और टेंशन की वैल्यू दोनों में अननोन है, और एक का वेट 20 पुट किया, एक का वेट 40 पुट किया। देखिए बेटा आयशा क्लियर है आपको, आप बताइएगा बेटा, सब बताएं। आहिल आपको क्लियर है बेटा, बताइएगा जरा। यस सर, क्लियर। जी उमैमा आप बताएं, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है।
अच्छा जी, अब इसके बाद भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं न्यूटन लॉस के अंदर। मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं आपको न्यूटन लॉस की। अच्छा, अब ये फिफ्थ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसमें। सपोज ये कोई बेंच है, टेबल है, और इस टेबल के साथ ये कोई सरफेस है ना, ग्राउंड सरफेस है, ये कोई ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है इसमें बेटा? आयशा आप फॉलो कर रही है? कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब देखिए ये टेबल है, और इस टेबल के साथ जो है वो हमारे पास ये ग्राउंड सरफेस से ये राइज हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगा दी पुली, और उस पुली पे से एक स्ट्रिंग पास किया, और यहाँ पे एक मास अटैच कर दिया 2 kg का, और यहाँ पे एक मास हैंग कर दिया मैंने, यानी स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच रखा, और स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे मैंने एक मास हैंग कर दिया, और ये मास है 8 kg का। अच्छा, जो टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है उसको ए बोला, और जो हैंगिंग बॉक्स है उसको बी बोला, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो आपके पास ये एक्सेलरेट करेंगे, ये ए एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड पे, और बी एक्सेलरेट कर रहा है डाउन साइड पे, ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं इसको बहुत गौर से देखूं तो एक, अब ये टेबल जो है ना, टेबल तो टेबल की जो फ्रिक्शन है वो भी मुझे गिवन है, कि फ्रिक्शन ऑफ टेबल कितनी है, फ्रिक्शन ऑफ टेबल, फ्रिक्शन ऑफ टेबल हमें गिवन है। सपोज वो स्मॉल एफ से शो करते हैं, और वो 10 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि जो रफनेस है टेबल की, जो फ्रिक्शन है, वो मैंने ले लिया आपके पास कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब आप केयरफुली अगर मॉनिटर करें तो ए का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, ये ए का वेट है, और ए के ऊपर एक और फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ये है कैपिटल एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, ए पे एक राइटवर्ड फोर्स लग रही है जो कि टेंशन है स्ट्रिंग की, और ए पे एक लेफ्टवर्ड फोर्स लग रही है जो कि फ्रिक्शन है टेबल की, तो टेबल की फ्रिक्शन 10 न्यूटन ऐड कर रही है। आप अगर देखें तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इसको, कि ए बॉडी, हम ये कह सकते हैं कि ए बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर फोर्सेस, फोर फोर्सेस इन विच वेट एंड, इन विच वेट एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर, हाउएवर हाउएवर टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, हाउएवर टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सो सिस्टम, सॉरी, सो बॉडी ए इज एक्सेलरेटिंग, इज एक्सेलरेटिंग राइट वर्ड्स, मतलब देखिए सीधे हाथ पे एक्सेलरेट कर रही है ना बॉडी है, सो
टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, सॉरी फ्रिक्शन, सो टेंशन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं ए बॉडी के लिए इक्वेशन बनाऊं, तो ए बॉडी के लिए इक्वेशन बनेगी टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। तो टेंशन की वैल्यू अननोन है, तो हम रखेंगे टी माइनस टेन इज इक्वल्स टू टू ए, क्योंकि ए बॉडी का मास इतना है। ठीक है, ये ए बॉडी को मैंने समझाया है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, अब बी बॉडी को अगर एनालाइज करें तो बी बॉडी सिंपल है। बी बॉडी में इसका वेट ऐड कर रहा है 80 न्यूटन, और ऊपर एक टेंशन फोर्स ऐड कर रही है कैपिटल टी, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर बॉडी बी सिंस इट एक्सेलरेट्स, डाउनवर्ड्स, सिंस इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, सिंस इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, सो सिंस इट्स एक्सेलरेट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो वेट बड़ा होगा और टेंशन छोटा होगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस टी इक्वल्स एम ए। तो वेट की जगह आपने ए टी रखा, ए टी माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 8 इंटू ए। तो एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, कौन कौन सी, टेंशन माइनस टेन इज इक्वल टू टू ए, और अगली फोर्स है ए टी, अगली इक्वेशन है ए टी माइनस टी इज इक्वल टू 8 ए, तो आप मुझे निकाल के बता सकते हैं टेंशन और एक्सेलेशन कितनी आ रही है। साइमल्टेनियस सॉल्व करें इसको और मुझे बताएं कि टेंशन और एक्सेलेशन कितनी आ रही है। प्लीज बेटा करिएगा, प्लीज इसको खुद से करें। अच्छा बेटा मुझे जरा बताएं, टेंशन और एक्सेलेरेशन निकाल के चैट पे बता दें या वैसे ही बता दें कि कितना आ रहा है। साइमल्टेनियस सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दें। कितनी आई टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू, बेटा एक्सेलरेशन 7 आ रही है और टेंशन 24। आप लोग इससे एग्रीड हैं, देखें टेंशन 24 न्यूटन आ रही है और एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। आर दीज द आंसर फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सही है, बिल्कुल ठीक है, टेंशन 24 और एक्सेलरेशन 7। यार अब्दुल्ला बेटा बड़ा सिंपल सा है इसको सॉल्व करना, मैं भले बता देता हूँ एक दफा, बड़ा सिंपल सा है। आपने ये इक्वेशन है, इसमें से टेंशन को सब्जेक्ट बना ले,
ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 2a+10। और ये वाली जो इक्वेशन है ना at-t, इसमें टेंशन की जगह रख दें 2a+10 इज इक्वल टू 8a। तो बेटा ये हो जाएगा at-2a+10, नहीं प्लस नहीं बल्कि -10 इज इक्वल टू 8a। अब ये इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 70। 8a और 2a ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इसमें से 7। तो जब एक्सेलरेशन 7 आ जाएगी तो टेंशन निकालना बहुत आसान है। इस इक्वेशन में रीपुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 2 × 7 + 10। तो डेफिनेटली टेंशन की वैल्यू आपके पास 24 न्यूटन आ जाएगी। बहुत आसान है, सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। ठीक है।